जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत विभिन्न पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विधानसभा चौबट्टा खाल के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के पोलिंग बूथों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ से पंजीकृत मतदाताओं एवं नए वोटर की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया, घर घर जाकर नए मतदाताओं का फॉर्म 6 भरवा कर उनके नाम निर्वाचन नियमावली में दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने राजस्व उपनिरीक्षक तथा बीएलओ को निर्देशित किया कि 80 वर्ष के से अधिक आयु के मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म 12D भरवाना सुनिश्चित करें। कहा कि सभी बूथों के बाहर बूथ संख्या व नाम लिखना सुनिश्चित करें। उन्होंने बीएलओ से फॉर्म 6 व फॉर्म 7 की जानकारी ली तथा निर्देशित किया। के जो निर्वाचन की तैयारी हो रही है उसको देखने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और भ्रमण के दौरान मैंने यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पार्टीसन पोलिंग स्टेशन का निरीक्षण किया, रिंगवाड़ी पोलिंग स्टेशन, सुराई डांग, नौगांव खाल, राजकीय इंटर कॉलेज चौबट्टा खाल, इनका निरीक्षण किया। निरीक्षण में सभी जगहों पर अच्छी व्यवस्था पाई गई है। कुछ जगहों पर टॉयलेट का व्यवस्था और कहीं पर रैंप की व्यवस्था जहाँ पर कमी पाया गया है उनको बनाने के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ में जहाँ वहाँ के जो बीएलओज हैं इनसे भी मैंने वार्ता किया। बीएलओ के द्वारा कुछ समस्या बताई गई है कि बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर हमको फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन करना और प्रचार करने में समय लगता है। उनकी सहायता के लिए फिर अन्य अधिकारी को भी नामित करने का मैंने निर्देश SDM साहब को दिया है और नियमित रूप से जो क्षेत्र में जो ऐसे बड़े बड़े ग्राउंड हैं जहाँ पे सभाएं हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की या निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान जिसका प्रयोग हो सकता है सभाओं के लिए, उसका चिन्हीकरण करने के लिए और उसकी जो कैपेसिटी है वो चिन्हित करने के लिए निर्देश जो है मैंने SDM साहब को दिया है। साथ में जितने भी हमारे पटवारी हैं सभी अपने अपने क्षेत्र के जो बूथ हैं उनके जानकारी को साझा करेंगे। साथ साथ में जहाँ पर जो कमियाँ होंगी रैंप के संबंध में और साथ में बिजली पानी और टॉयलेट के संबंध में उसको 100% पूर्ण किया जाएगा, इसको सुनिश्चित करें।